हसन भाई, आपने बड़ी कोशिश की और मस्बत कोशिश नजर आई, क्या वजह है कि इमरान जो अभी तक कामयाब नहीं हो? जी मतलब आपने पहले एक एफर्ट की, लेकिन उसमें हमने देखा कि इतना कुछ सब्सटेंशियल रिपोर्ट नहीं, कोर्ट ने उसका अर्मी का इजहार किया। तो अब आईजी साहब ने भी अंडरटेकिंग दी है कि मैं कल तक उनको प्रोड्यूस करूँ। किस हद तक आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? कहाँ हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी नाकाम हैं, आप भी नाकाम हैं, किधर गए आपके मुताबिक? जी नाकामी के तासर से मैं अग्री बिल्कुल नहीं करता। जहाँ तक बात है रिसोर्स यूज़ करने की, हम सारे रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला यूज़ करते रहेंगे और पॉजिटिवली उनकी रिकवरी पॉसिबल। हसन साहब, जो लोग उन्हें जेल से लेकर गए थे, जिनकी फुटेज भी चली है, नामालूम अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती अभी तक? आपने खुद ही कह दिया वो नामालूम है, तो आइडेंटिफिकेशन नामालूम है तो नामालूम है। आम लोगों के लिए नामालूम है, आप सारा आपके लिए तो नामालूम नहीं है, आप तो पुलिस आपकी अथॉरिटीज़ में से बोल। देखें पहली गुजारिश ये है कि जो जेल है उसके गवर्नर ही आम है, उससे वो जेल से जब बाहर निकलते हैं उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनके साथ, जो बात एक इस्टाब्लिश है। बाकी हम उसको तफ्तीश को चला रहे हैं। सर उनकी जमानत हुई थी इमरान साहब की, क्या हुआ था, जमानत किसी ने दी थी? देखें डिटेंशन में जमानत नहीं होती, डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ होता है, वो विड्रॉ होता है। अच्छा, जेल हुकाम ने कुछ बताया कि वो उन लोगों को जानते हैं जब वो बाहर निकले, और क्या वो लोग जेल के अंदर से लेकर इमरान रियाज को बाहर निकले या फिर बाहर ही खड़े थे वो? अरे तो जी बात कैटेगोरी के लिए बिल्कुल गलत है कि वो जेल के अंदर से लेकर निकले। इमरान रियाज साहब जेल से बाहर निकले थे, वहाँ पे वो गाड़ी में खुद बैठ के गए। उसके बाद जो जेल हुकाम से तफ्तीश है वो बिल्कुल की जा रही है, और डेफिनेटली उसको इस फोरम का हिस्सा मैं नहीं बना सकता। अच्छा डीपीओ साहब, बताइएगा कि आप सियालकोट के डीपीओ हैं और वहाँ पे आपकी तमाम फोर्सेज, आपके जो है पुलिस खासकर, डिटेंशन ऑर्डर में ये है कि खवातीन की जिस तरह पुलिस घरों में घुस रही है, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रही है उस्मान डार के फैमिली की, तो क्या पुलिस को इस तरह की डिटेंशन ऑर्डर में कानून की इजाज़त है कि इस तरह की तस्वीर जो हो रही है इंसानी हकूक की? अब आपके एक सवाल में तीन सवाल हैं। पहला ये कि हमने उसकी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की, वहाँ से कोई नहीं आया। उसके बाद वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनका जो दावा था वो डिसमिस कर दिया, जो उन्होंने 22A की पटिशन दी थी। तीसरा, वो जो एक वीडियो सर्विस में हुई है, हमारा यही क्वेश्चन है कि क्या वो कंटिन्यूस वीडियो है। और चौथा, हमारे पास कुछ चीज़ें फैक्ट में आई जो हमने वो शेयर किया। आईजी साहब चले गए अदालत के हुक्म से, वालिद साहब से आईजी साहब चले गए, ये बता दीजिएगा अदालत आलिया का हुक्म है, मैं वालिद जी जी प्लीज उस्मान भाई, उस्मान भाई वो चले गए हैं। अभी ये क्या कर इनको साथ लेके जाना, सिक्योरिटी इनके घर चाहिए सारी, टोटल जो है ना घर के हवाले से अपना फोकल पर्सन आम इसमें, हाँ आपको पॉइंट कर अकाउंट किस नंबर मुझे बताएं किसको सलीम की तरह सलीम साहब आप फोकल पर्सन आगे सारे घर की सिक्योरिटी अभी अभी आज नहीं कोई मैसेज के अलावा कोई मैसेज आपने मुझे नहीं। हमको रात को अचानक हमारा जो फोन आए, हम सिर्फ आगे हम घर छोड़ के मुझे फोन करते नहीं किया, मुझे बता देते भाई शॉर्ट करते हैं। ये आपके साथ अभी आप ले जाएं, ठीक है। हाँ, दो तीन दोस्त हमारे और साथ जाते हैं, ये आपको पूरी लोकेशन दे देते हैं, सारा बता देते हैं किस तरह क्या क्या करना है, वो टोटल करके ना मुझे जरूर बता देना आप, ठीक है। ठीक है ना, आप दो तीन लोग ना हसन साहब के साथ चले जाएं, ये बैठ के जो भी पोजीशन आती है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ले मैं जरा किसी माँ के बेटे हो इस तरह बेसिकली दैट वाज कोर्ट
कि व्हाट वी विल डू एंड इंशाल्लाह वी विल डू मैक्सिमम। सर हम तो उम्मीद रखे हुए थे कि इतने हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं वो आप जैसे ऑफिसर्स की क़यादत में उनकी रिहाई हो जाएगी और वो बाजियाब भी हो जाएंगे, लेकिन आज तो बड़े मायूस कौन गुफ्तगू सुनने को मिली है कि अभी तो तहकीकात चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। वला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होता बंदा, नहीं इंशाल्लाह ताला उसकी जिंदगी की छोटी देना कि वो ठीक ठाक है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो नहीं हो, लेकिन उसकी छोटी दे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी, पाकिस्तान के कानून की नजरिए है, हमारी नजरिए इंशाल्लाह जो सेफ रिकवरी है उनकी जो वापसी है दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। डू यू थिंक कि अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ इस तरह से हो रहा है कि इतने दिन गुजर गए और आप बाजियाब नहीं करा सके, तो जो ये नॉर्मल जर्नलिस्ट यहाँ पे सारे ये सेफ है इस मुल्क के अंदर? देखिए जी, ये बेसिकली ना एक पॉलिसी है कि ए इज़ इक्वल टू बी टू बी इज़ इक्वल टू सी, वी आर नॉट कम्पेयरिंग पीपल, हमारे कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, तो ना हम किसी को ये कह सकते हैं कि वो कोई कमतर है। मेरे लिए तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाब के शहरी और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग हैं वो तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। और अभी बहुत अच्छी SMCR कोर्ट की अज़र साहब ने, उसमें भी यही उसका प्रीएम्बल था कि तमाम लोगों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है दैट इज़ दी लाइफ प्रोटेक्शन, और हम उसके लिए कितने उम्मीद पूर उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह आप बाजियाब करा लेंगे? मैं जी जितना मैं फिर कहूँगा जितना मैं लास्ट टाइम पूर उम्मीद था, मैं इस वक्त भी इतना पूर उम्मीद हूँ, और वी आर यूजिंग ऑल आवर रिसोर्सेज। सर जेल हुकाम ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनके फैमिली को बताए बगैर उन्होंने रिहा किया और उबैर से अगवा कर लिए गए, क्या इस गैर जिम्मेदारी पर उनसे कोई जवाब तलब किया गया है? देखिए जी, जो जेल का जवाब है वो तो जाहिर है वो जेल हुकाम ही दे सकेंगे, मैं तो अपने पार्ट पे जो जवाब है मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और पिछले सर पेशी पे 48 घंटे मिले आप काफी कॉन्फिडेंशियल नजर आए, लेकिन अब आप भी मायूस लग रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं। आप वादा करके गए थे ये टाइम आपने वादा भी किया था 48 घंटे का। एक मिनट सवाल करने थे, ये आपकी मंशा पे आपकी ख्वाहिश पे 48 आवर्स दिए, वरना जिसके माँ बाप का बच्चा इस तरह गायब हो, इस कौम का बच्चा, एक सेकंड ना चीफ जस्टिस देते, वो उसके बावजूद आपके पास आज कोई आंसर नहीं था। मैम ये आपका मौकफ है, आपका मौकफ, मेरा मौकफ नहीं है, आप वादा करके गए थे कोर्ट से, आपका मौकफ है और वी ऑल विटनेस ना, मैम ये आपका मौकफ है और डेफिनेटली आज भी हमने कोर्ट से कहा हमें टाइम दिया जाए, तो दिस इज तो अश्योरिटी देते हैं उसको कुछ नहीं होगा। मैम देखिए, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई ऐसी अथॉरिटी हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजर है, और अभी कल का दिन मांगा है पुलिस ने, देखते हैं कि कल उम्मीद की जा सकती है कि कल तक जो है वो, क्योंकि अब IG पंजाब को भी आज तलब किया गया था, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अदालत को कायल करने की कोशिश की कि कल तक इंशाल्लाह इमरान रियाज साहब को बाजियाब करवा लिया जाएगा।